Hello friend, welcome to the channel What Next. I am Mercy. Today in this video we will see how to create the PowerPoint presentation with the help of the clipboard, that is the feature of the PowerPoint presentation from the scratches. So in this feature, that is clipboard, you can create the PowerPoint presentation very easily. So without any wasting time, let's सबसे पहले अपने पीसी पे PowerPoint presentation हमें सर्च करना है। ये है मेरे पास 2016 वर्जन। अगर आपके पास PowerPoint नहीं हो तो MS Office 2016 डाउनलोड कर सकते हैं, ये फ्री है, ठीक है। तो इसे डबल क्लिक करना है, ये ओपन हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी इसे ओपन कर रखा है ये, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आने के बाद कुछ इस टाइप से इंटरफेस होगा। यहाँ पर फाइल पर क्लिक करना है, उसके बाद न्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद आप जो भी टैम्पलेट लेना चाहते हैं अपने PowerPoint प्रेजेंटेशन के लिए वो ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो मैं जैसे ड्रॉ प्लेट का लेना चाहता हूँ, ठीक है। इनमें से भी आप चूज कर सकते हैं कौन सा कलर, लाइक मुझे ये वाला पसंद है तो इसे सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर क्रिएट ऑप्शन में क्लिक कर देना सिर्फ, तो ये है, ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सीजर जैक, मेरे पास एक टॉपिक है सीजर जैक पे हम प्रेजेंटेशन बनाना चाहेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, क्लिपबोर्ड को इनेबल कर लेना है। इस पर यहाँ पर दाबिए, ठीक है। इस पर क्लिक करके इनेबल्ड हो गया क्लिपबोर्ड, ठीक है। अब हम जो भी कंटेंट कॉपी करेंगे, जो भी कंटेंट यहीं जहाँ से भी इंटरनेट से हो या फिर कोई PDF से हो, वो यहाँ पर कॉपी हो जाएगी। उसके बाद एक ही बार में हम यहाँ पर आके फिर वो पेस्ट कर लेंगे जो जो मुझे चाहिए, ठीक है। तो चलिए, एक PDF मैंने डाउनलोड किया इंटरनेट से, उसे ओपन करते हैं। डिजाइन एंड एनालिसिस स्टैंडर्डाइजेशन, ये है हमारे पास PDF, मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया। यहाँ से कुछ चीज़ें उठाएंगे फिर इंटरनेट से बाद में। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें इस एडिट ऑप्शन में जाके इस ऑप्शन को टेक ए स्नैपशॉट पे क्या करना है, इनेबल कर देना है। यहाँ पर मार्क ऑप्शन आ जाएगी, तो यहाँ क्लिक करें, फिर देखेंगे दोबारा चेक करके जाएंगे इनेबल, हाँ इनेबल है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद जो भी पोर्शन हम जो भी हम सिलेक्ट करेंगे, जो भी चीज़ वो क्या हो जाएगी, अपने आप स्नैपशॉट हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी। तो इस चीज़ को हमने सिलेक्ट कर ले, छोड़ देंगे ऐसे। छोड़ने के बाद ये अपने आप कॉपी हो जाएगी। ये दो कॉपी हो गई क्लिपबोर्ड के PowerPoint प्रेजेंटेशन के, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन पोर्शन, सीजर जैक के इंट्रोडक्शन पोर्शन हमें चाहिए, तो हम यहाँ पर कॉपी करेंगे। अब बस सिलेक्ट करना है, कॉपी हो जाएगी, थ्री कॉपी हो गई, ठीक है। अब जैसे कि ऑब्जेक्टिव मुझे चाहिए, चलिए ठीक है ऑब्जेक्टिव भी ले लेते हैं। यहाँ से अगर ऑब्जेक्टिव चाहिए तो यहाँ पे ऐसे सिर्फ सेलेक्ट करना, कॉपी हो जाएगी, चार कॉपी हो गई टोटल। अब मुझे मैथडोलॉजी ऑफ सीजर जैक चाहिए, ये है टोटल मैथडोलॉजी, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते, इतना सेलेक्ट कर लिया हमने तो ये कॉपी हो गई अपने आप। अब मुझे सीजर जैक के कुछ फॉर्मूले, मान लें कि मुझे फॉर्मूला या डिजाइन ऑफ नट्स, मुझे ये कॉपी करना है, इसे भी हम कॉपी कर सकते हैं। मान लिया हमें इतना लेना है, ठीक है, इसे सेलेक्ट कर लिए, ये भी कॉपी हो जाएगी। और भी मुझे कुछ चीज़ें कॉपी करनी है यहाँ से, जैसे कि एक बार में, जैसे मुझे कंक्लूजन पार्ट, बाद में हम कंक्लूजन भी डालना पड़ता है PowerPoint प्रेजेंटेशन के, तो ये भी हम कॉपी कर सकते हैं। चलिए ये भी कॉपी कर लेते हैं, तो यहाँ सेलेक्ट करना, कॉपी हो जाएगी। 7 इमेजेस अभी कॉपी हो चुकी है, टोटल हम 24 एक बार में कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम इंटरनेट की ओर, हम सबसे पहले ब्राउज़र ओपन करते हैं और यहाँ पर सर्च करते हैं टाइप्स ऑफ सीजर जैक, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला मान लिया हम ये वाला वेबसाइट ओपन करते हैं, ठीक है। यहाँ से कुछ चीज़ें उठा लेनी है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर मान ली इतना पोर्शन हम उठाना है, ठीक है, जितना हम सिलेक्ट करेंगे ये यहाँ तक मुझे उठाना है, तो इसे सिलेक्ट करना है। उसके बाद कंट्रोल सी से कॉपी करना है, ये भी कॉपी हो गई क्लिपबोर्ड में, आठ
8 कॉपी हो गई। अब मुझे इसमें से भी अब मान लिए कि इतना पर्सन और भी मुझे कॉपी करना है, ठीक है, ये भी कॉपी कर लेना है, या ये कर सेलेक्ट करना है, उसके बाद कंट्रोल सी से कॉपी, 9 कॉपी हो गए टोटल। अब मुझे क्या करना है, इंटरनेट से कोई इमेजेस भी कॉपी करनी है, ठीक है। तो क्या करना है, यहाँ पर इमेजेस ऑप्शन में आए, इसके बाद मान लीजिए इमेज हमें कॉपी करना है, तो यहाँ पर इसे ओपन करें, उसके बाद क्या करें, राइट क्लिक करके इमेज कॉपी इमेज पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये भी कॉपी हो गए हैं, 10 टोटल हो गए। और अगर कोई हमें और भी इमेज अगर पसंद आ रहा हो तो यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, जैसे कि मुझे ये कॉपी करना है, ये वाले इसे भी ऐसे ही हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 11 ही है, हम टोटल 24 तक कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे आ जाएंगे, इस पर आ गए, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे, सारे जितने भी हमने कॉपी चीज़ें कॉपी की वो सारे यहाँ पर है क्लिपबोर्ड में। अब हम एक एक करके सबको उठाएंगे अपने हिसाब से, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसे डिलीट कर लें, इसे सेलेक्ट करो, डिलीट, इसे भी सिलेक्ट करें, डिलीट, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मान लिए कि हमको ये चाहिए, ये वाला पोर्शन, तो इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आ गई कंक्लूजन, वैसे कंक्लूजन बाद में लेते हैं, इसे बाद में लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नीचे से आएंगे, उसके बाद पहले ये पोर्शन हम उठाएंगे, ठीक, स्टैंडर्डाइजेशन, चलिए ठीक है, ये हमने कॉपी कर लिया, इसे पूरे स्लाइड पे हम डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद एक न्यू स्लाइड लेंगे, कैसे, आप दो तरीके से ले सकते हैं इधर, या तो आप यहाँ इस स्लाइड पे राइट क्लिक करके या न्यू स्लाइड पे जब क्लिक करेंगे तो ऐसे आ जाएगा एक नया, या फिर इंसर्ट टैब पे आए, यहाँ पर न्यू स्लाइड पे क्लिक करें तो भी न्यू स्लाइड आ जाएगी। तो यहाँ पर ठीक है आ गए, उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद इसे फिर डिलीट करना है, कंट्रोल सी से दोनों को सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद डिलीट, सॉरी हाँ इसे डिलीट कर दें, इसे भी डिलीट कर सकते हैं सेलेक्ट करके डिलीट ऑप्शन में, ठीक है। तो इस स्लाइड में सेकेंड स्लाइड हम बनाएंगे, ठीक है। तो हमने कंक्लूजन डाल दिया, अब हम क्या करेंगे, ये वाला इमेज कॉपी करेंगे, इंट्रोडक्शन, हम यहाँ पे डाल सकते हैं इंट्रोडक्शन का, ठीक। उसके बाद मुझे कहीं कोई और चीज़ ले, जैसे कि ये लेना है ऑब्जेक्टिव, इसे भी हम यहाँ ऑब्जेक्टिव यहाँ डाल सकते हैं, इसके बाद मुझे द सेकेंड थर्ड स्लाइड में मुझे इमेजेस डालनी है, पहले तो इसे हम क्या करेंगे डिलीट कर लेंगे, डिलीट करने के बाद मुझे ये इमेज कॉपी करनी है और ये भी इमेज कॉपी करनी है, तो इसे कॉपी कर लेंगे दोनों को, ठीक है। इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं छोटा या बड़ा, ठीक है। इसे हम मान ली यहाँ रख दिए और इसको और छोटा करके यहाँ रख दिए, इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। फिर न्यू स्लाइड लेंगे, राइट क्लिक करके न्यू स्लाइड पे क्लिक करना, ऐसे ही हर एक चीज़ को हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। इसे हम फिर डिलीट करेंगे, इसे भी डिलीट करेंगे सेलेक्ट करके, के बाद हमें क्या करना है, हमने जो नेट से उठाया जैसे इस चीज़ को यहाँ, सॉरी ये तो एक बार कॉपी हो चुकी है, जैसे ये वाली चीज़ पोर्शन को हमने लिखा हुआ चीज़ को कॉपी करेंगे यहाँ, इसको भी कॉपी कर लेना है, ठीक है। इसको अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे और नाम हम लिख लेंगे, ठीक है, हर एक चैप्टर हर एक कंटेंट का।
ऐसे करके हम पूरा कंप्लीट कर सकते हैं अपना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ठीक है, इस प्रेजेंटेशन में इतना ही।